लाइक मैं अपने आज तक के हर सेगमेंट में अगर मेरी जर्नी की जहाँ भी बात की है तो मैंने यही बताया है कि मैं हमेशा से थिएटर में था। मैंने अपनी जर्नी थिएटर से स्टार्ट की थी जहाँ मुझे लगा था कि नहीं मैं बिजनेस टाइप की किसी चीज़ में नहीं जाने वाला हूँ, मुझे कहीं आर्टिस्ट फील्ड में जाना है। तो मैंने शुरुआत मेरी थिएटर से हुई। ऑफकोर्स एज बीइंग अ थिएटर आर्टिस्ट मेरा चीज़ों को पकड़ने का और यू नो एक अलग ही वर्ल्ड लगता था मुझे एक्टिंग एंड ऑल। तो मैं कहीं ना कहीं एक डायरेक्टर या एक्टर बनने की वो थी मुझको। तो हमेशा एज एन आर्टिस्ट मैंने हमेशा थिएटर में परफॉर्म किया है स्टेज पर। हमेशा से इच्छा मेरी डायरेक्टर बनने की थी, बट आई डोंट नो एनी विच किस्मत ने शायद मेरा बहुत साथ दिया। तो मुझे जयपुर में ही बैठे बैठे एक शो मिला, बस छोरे तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मी एंड द गर्ल जिज्ञासा, उन दोनों को साथ में काम मिला। उसने भी कभी नहीं सोचा था उसे एक्टर बनना है, उसने भी मास कम्युनिकेशन करना था, उसने लाइफ में कुछ और करना था, बट किस्मत ने हम दोनों को एक पहला शो दिया जयपुर में। ओके, आफ्टर दैट एक एड्स की, दो छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म्स की, मूवीज की छोटी की जयपुर में किया। देन अगेन इंजीनियरिंग कंप्लीट करके मैंने एक साल का ब्रेक लिया, अगेन मैं फिर थिएटर में रहा एक साल, कुछ काम नहीं, कुछ सोशल कुछ नहीं। फिर ऑडिशंस हुए और जयपुर में मुझे स्पेशली बुलाया गया और बोला एक अकेले आप ही सेलेक्ट हुए। और फर्स्ट मेरी लाइफ के दोनों ऑडिशंस मैंने ऐसे ही दिए थे जो मुझे नहीं देने थे। आई जस्ट वेंट देयर कि चलो कुछ देखना है, मुझे सीखना है, प्रोडक्शन की नॉलेज लाइक कैसे क्या होता है, कैसे लोग सेलेक्ट होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ सीखने के हिसाब से गया था। और फर्स्ट शो में तो मेरे साथ लिटरली ऐसा हुआ कि सिर्फ इस लड़के को कैरेक्टर ये देना है और किसी को नहीं देना अमॉन्ग ऑल ऑफ देम, मतलब जो भी वहाँ थे सबने मुझे ऐसे देखा, मैंने सबको ऐसे देखा, मैंने सॉरी भाई मैंने कुछ नहीं किया। तो इट वॉज जस्ट लक, थैंक यू गॉड जो आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं चीज़ें सीखने को मिली। वो 6-7 महीने हम लोगों ने जो काम किया छोटे मेरा काम बड़ा प्यारा, जिसके एपिसोड आप लोग मानते रहते हैं बट वो यूट्यूब पर नहीं है, सॉरी। तो उस जर्नी में मैंने काफ़ी कुछ सीखा। तो फिर एज एन एक्टर थोड़ा सा मुझे यू नो कॉन्फिडेंट आ गया कि नहीं डायरेक्टर के अपार्ट मैं एक्टिंग में भी काफ़ी कुछ कर सकता हूँ। देन इंजीनियरिंग की अपार्ट मैंने एक साल में इंजीनियरिंग कम्प्लीट की आफ्टर दैट, और एक साल फिर मैं थिएटर में गया और उसके शायद ईयर एंड में ही ये दोबारा ऑडिशन हुए। अगेन मैं ऑडिशन देने नहीं गया था, जस्ट मैं लड़कियों का ऑडिशन हो रहा था जयपुर में, तो मैं उन सर के साथ गया था कॉलेज में जहाँ लड़कियों के ऑडिशन होने वाले, वहाँ गया था। और वहाँ उन्होंने सर ने मुझसे कहा कि तुम ऑडिशन ही दोगे, तो सर अगर आपको लगता है तो मैं दे दूँगा, आई वुड माइंड। तो उन्होंने कहा दो, और नेक्स्ट डे ही आई मीन ऑडिशन देने के अगले दिन या उसके अगले दिन आई वॉज द ओनली वन हु गॉट अ कॉल कि सबसे पहले तुम सेलेक्ट हो फॉर कप की शो, एंड द प्रोड्यूसर इज हिमसेल्फ ही इज़ फ्रॉम जयपुर। तो वही आए थे ऑडिशन लेने और उन्होंने मुझे दो दिन बाद कहा कि टिकट्स करा लो आपको बॉम्बे आना है। तो लाइक आज से 2.5 साल पहले मैं बॉम्बे आया, मेरी जर्नी ऐसे शुरू हुई। थिएटर में मैंने बहुत कुछ सीखा थिएटर में, मैंने अकॉर्डिंग टू एक्टिंग डायरेक्शन ये सब कुछ, लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ सीखा, बट ऑन कैमरा लाइक इन फ्रंट ऑफ कैमरा मैंने कुछ और सीखा, जिससे कम्प्लीट डिफरेंट वर्ल्ड कॉल्ड टेक्निकल वर्ल्ड, जो मैंने सीखा कैमरा लाइटिंग किस एंगल से कैसे चीट क्या होता है, मास्टर एंगल वाइड एंगल क्लोज एंगल, ये सब मैंने काफ़ी कुछ सीखा। अब मुझे लगता है कि मैं थोड़ा थोड़ा बहुत सब कुछ जानता हूँ, जो कि ऑफकोर्स बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छी लगती है मेरे अंदर कि मैं धीरे धीरे कुछ ना कुछ गैप कर रहा हूँ मेरे से। और ये शो कम्प्लीट 2 साल होने के बाद मैं काफ़ी अच्छे लेवल पे हूँ, मुझे सारी चीज़ें समझ में आ गई, नॉट सारी अवन से सारी चीज़ें, बट मोस्ट ऑफ द जितनी ज़रूरी चीज़ें होती हैं एज बीइंग एन आर्टिस्ट एक्टर जो मुझे पता होनी चाहिए, मुझे आज पता है। मैं इस जर्नी को कहूँगा मेरा अनएक्सपेक्टेड रोल पॉसिबल, क्योंकि चलता गया बट कभी सोचा नहीं था होने वाला। तो ऑफकोर्स इसमें सबसे बड़ा हाथ लक का और गॉड का है, और ऑफकोर्स मेरी फैमिली जिन्होंने मुझे कभी नहीं रोका। लाइक बिजनेस फैमिली से हूँ, मतलब मेरे मॉम डैड भाई, अब आज मेरा भाई भी बिजनेस में है, पूरी फैमिली है, कजिन ब्रदर सब कुछ बिजनेस करते हैं, मैं ही अकेला हूँ जिसने एक डिफरेंट ट्रैक पकड़ा था और मुझे कभी रोका नहीं गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू देम, मॉम डैड थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से हूँ और आज आप लोगों को गर्व है, मुझे भी गर्व है कि मैं आप लोगों की वजह से यहाँ हूँ। और एंड ऑफकोर्स ऑल द फ्रेंड्स जो मेरे साथ साथ मेरी पूरी फैमिली को, पूरी कास्ट को, पूरे प्रोड्यूसर्स को, ऑल द टीम्स, पूरी टीम को इतना प्यार करते हैं, थैंक यू सो मच कि मैं आप लोगों को इतने प्यार के काबिल मैं बन पाया कि आप लोग इतना प्यार करते हैं। क्या किसी ने कहा है इस एक्टिंग फील्ड के बारे में, यहाँ कभी लड़ाई बंद नहीं होती, यू नो यहाँ कभी कॉम्पिटिशन खत्म नहीं होती।
तो कोई वीक पॉइंट मैंने ऐसा डिसाइड नहीं किया, बट मुझे जाना बहुत लंबा है। आई विल जस्ट से कि मुझे बहुत दूर जाना है और जाना है बस। तो ऐसा कोई मेरा फिक्स पॉइंट नहीं है यहाँ जाके मैं रुकने वाला हूँ। मुझे सब करना है, हर कैरेक्टर, हर टाइप की एक्टिंग और सब कुछ, जितना पोटेंशियल है मेरी लाइफ में मुझे मैंने सीखा है 3-4 साल में यहाँ बॉम्बे में रह के सीख रहा हूँ, लोगों से ऑब्जर्व कर करके जो सीख रहा हूँ सब मुझे कहीं ना कहीं अप्लाई करनी है और मैं करना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ की शुरुआत जैसा कि मैंने बताया कि थिएटर से हुई है। मैं बहुत ही मतलब यू नो डरपोक था, उस किस्म का लड़का था, मतलब मैं बहुत डरता था स्टेज पर जाने। और उस 3 साल के थिएटर में मैं चैम्पियन हो गया था स्टेज का। तो वो जो जर्नी मेरी थी, जो सीखने की, जो उस एक में मैं जो सीखा हूँ जितनी जल्दी जल्दी, वो चीज़ ऑफकोर्स थिएटर में नहीं है। मेरी लाइफ का पूरा दिन मैं उस टाइम भी अपने घर पर नहीं रहता था, लाइक यहाँ हम 16 घंटे शूट करते हैं तो उस टाइम मैं 8 घंटे कॉलेज जाता था और 9-10 घंटे मैं थिएटर में रहता था। बचे 5-6 घंटे मैं सिर्फ सोने के लिए अपने घर पर जाया करता था, जो ऑफकोर्स मेरे पापा को नहीं पसंद था कि मैं इतना कम सोऊँ और इतना ज़्यादा बाहर रहूँ। बट मेरी मॉम ने हमेशा मेरा साथ दिया, कोई बात नहीं। आप लोगों की तरह मेरी भी अभी यही, मेरा भी यही सवाल है, मैं किसमें दिखने आ रहा हूँ। ऑफकोर्स हैं 2-3 ऑफर्स हैं, लेट्स सी कौन सा किस मीडियम में सेलेक्ट हो पाता है और मैं जिसमें जा पाता हूँ। अभी 2-3 जगह मैं ट्राई कर रहा हूँ और हो सकता है मैं आपको बहुत जल्दी जाऊँ, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लूँ, बट डोंट वरी, मैं आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहूँगा सोशल साइट्स पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक। हैट्रिक ऑलरेडी हो चुकी है, हैट्रिक से ऊपर हो चुका है। हम लोगों ने सबसे पहले छोटे तेरा गाँव बड़ा पैरा किया, हम लोगों की लाइफ की शुरुआत वहाँ से। उसके बाद एक ऐड हम लोगों ने आइडिया की, आफ्टर दैट उसके बाद हम लोग 2 सीरियल जो जयपुर में बनने वाले थे, लाइक फाइनेट थे कुछ छोटे चैनल के लिए जयपुर के राजस्थान बेस पर, उसमें भी हम दोनों एक साथ सेलेक्ट हुए थे। उसके बाद गुमराह बिंदास वी पे गुमराह जो आता है उसके लिए हम दोनों साथ में सेलेक्ट हुए थे, बट हम दोनों की स्टोरी इन द एंड मोमेंट पे चेंज कर दी गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशूज। हम दोनों अलग स्टोरी में हो गए थे, अदरवाइज हम दोनों वहाँ भी दोनों साथ में एक ही स्टोरी में सेलेक्ट हुए थे, बट हम दोनों ने सेपरेट एक की। उसके बाद ये थपकी हुआ ऑलमोस्ट 6 बजे नहीं ऑफकोर्स मैंने जैसा कहा मुझे सब कुछ करना है, हर एक्टर के साथ काम करना है, मतलब जितने भी लोग हैं हम सब जिनसे प्यार करते हैं, लाइक बचपन से हम जिनको देखते हैं, ऑफकोर्स घर में राजकुमार हिरानी सर, आमिर खान सर, अक्षय कुमार सर, शाहरुख सर, सबके साथ काम करना चाहता हूँ। मतलब ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं इंडस्ट्री के, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक ये भी सीख पाऊँ कि वो कैसे काम करते हैं। जहाँ तक आज तक मैं आया हूँ मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऑब्जर्व करता ही रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक बार उनका काम भी देखूँ, कुछ सीखने को मिलेगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, आई एम नोबडी टू यू गाइड समवन, आई मीन मैं भी किस्मत मुझे लाई है, मैं कभी खुद नहीं आया, मुझे मैंने स्ट्रगल नहीं किया लाइफ। तो मैं ऑफकोर्स यही चाहूँगा कि आप लोगों को ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, आप लोग जिससे आप लोगों को खुशी मिलती है, जो आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए तो मुझे ये मिलेगा, तो आप लोग पहले उस पर ध्यान दें, क्योंकि दुनिया में यहाँ होड़ बहुत है, बहुत ज़्यादा होड़ मची हुई है बॉम्बे में, देखने को मिलती है कॉम्पिटिशन ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा है, तो उस होड़ का, उस भीड़ का पार्टनर बने आप लोग को। अगर आपको कुछ लगता है कि मुझे ये करने से शायद मैं कुछ अलग लगूंगा, तो ऑफकोर्स आप पहले वो करें, क्योंकि अलग होना अपने आप में एक यू नो आपको भीड़ से अलग कर देगा, तो उस भीड़ से अलग होने की कोशिश करें, भीड़ का हिस्सा ना बने, कि भीड़ कब से आ रही है, कब तक जाएगी, कहाँ जाएगी किसी को नहीं पता, बट आप अगर अपने खुद के लिए स्टैंड लेंगे, खुद के लिए सोचेंगे कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो वो आई गेस आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और साथ में बॉम्बे में रहना ही, अगर सिर्फ बॉम्बे में रहना नहीं है, बॉम्बे में रहकर आप लोगों को ये भी सीखना है, ये भी जानना है कि कहाँ कौन सा कैसा सही मीडियम है जो हाँ आपको मेहनत करनी है, अदरवाइज़ मेहनत सब करते हैं यार, लेकिन कहाँ सही टाइम पे सही मेहनत वही रंग लाती है। तो ऑफकोर्स मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को कहूँगा ऑल द बेस्ट, ऑल द गाइज जो यहाँ ट्राई कर रहे हैं, ऑल द गाइज एंड गर्ल्स, आई होप आप लोगों को जल्दी काम मिले, आप लोगों की इच्छाएँ जो हैं, जो सपने हैं आप लोगों के पूरे हों, जैसे हमारे हो रहे हैं, आई विश आप सबके। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच ऑल द लवर्स, ऑल द हीटर्स, ऑल द फैंस, ऑल द व्यूअर्स ऑफ ग्लेट्स म्यूजिक, थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने इतना प्यार हमें दिया है, जो हम लोग पूरी जर्नी को बहुत खुशी से, बहुत प्यार से कंप्लीट कर पाएँ, सक्सेसफुल कर पाएँ।
इसमें हमारे साथ साथ आप लोगों का भी बहुत सारा हाथ है, क्योंकि आप ही लोग हैं जो आप ही लोगों के आइडियाज, आप ही लोगों का प्यार है जो हमारे प्रोड्यूसर्स को फोर्स करता है हमारे सीरियल को आगे चलाने के लिए। बट इट्स ओके, अभी चीज़ हर चीज़ का एक दिन आता है खत्म होने का, तो एक चीज़ खत्म हुई है, बहुत जल्द दूसरी आने वाली है, और आई विश बहुत जल्द आए और आप लोगों का प्यार फिर से मुझे मिले और ज़्यादा मिलता रहे हमेशा। बस यही मैं दुआ करूँगा, आप लोग तब तक आप लोग भी खुश रहें, आबाद रहें, मैं भी थोड़ा कोशिश करता हूँ, जितना मेहनत करता हूँ जल्दी आपके सामने आने की, और बाकी बी कनेक्टेड। मनीष गोपलानी आपका वीप और बिहान मारने, एंड यू आर वॉचिंग ऑन ग्लिट्स विजन। डू सब्सक्राइब देयर यूट्यूब चैनल।